गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है हमने डायरे डायरेवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शंस जो कुछ अलेवंथ में पढ़ी थी और ट्वेल्थ में अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शंस ले रहे हैं जैसे कंपोजिट फंक्शंस एक्सप्लोनेशियल फंक्शन लॉगरिजिक फंक्शन टोमेट्रिक फंक्शन आज अब हम इन्हीं के इस टॉपिक में डेरिवेटिव्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमने शुरू किया था डेरिवेटिव्स ऑफ सबसे पहले हमने ली थी कंपोजिट फंक्शंस तो चलिए मैंने आपको एक प्रोडक्ट रूल बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो एक यू हो एक वी हो तो प्रोडक्ट कैसे लिखा लिखा जाता है प्रोडक्ट रूल यू इंटू डायरविटी ऑफ वी प्लस वी इंटू डायरेविटी ऑफ यू तो दूसरा है क्वेश्चन रूल डेरिवेटिव ऑफ यू बाई वी यू बाई वी होता है डिवीजन डिवीजन को हम कहते हैं क्वेश्चन रूल तो कैसे होता है नीचे वाला जो है फंक्शन वी का स्क्वायर फिर ऊपर आके वी इंटू डायरेविटिव ऑफ यू माइनस यू इंटू डायरेविटी ऑफ वी तो ये दो रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं साथ में आप मैंने आपको बताया था कि अलेवंथ क्लास में आपने डायरेविटीज ऑफ डिग्रोमेटिक फंक्शन भी पढ़े हैं डरेविटी ऑफ साइन एक्स होता है कास एक्स डायरेविटी ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस एनक्स डायरेविटी ऑफ टाइनेक्स होता है सिग्न स्क्वायरक्स डायरेविटी ऑफ काटक्स होता है माइनस स्क्वास डायरेविटी ऑफ सीगन एक्स होता है x, x, और डायरेविटी ऑफन एक्स होता है माइनस एक्स कॉटक्स इन सभी को अपनी ज़ुबान याद रखना है मैं बार बार रूल लिखता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाएँ तो साथ में डी बाई डी एफ डेरीविटि एन होता है एन को नीचे लाते हैं एक्सरे पावर एन माइनस वन और डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस भी होता है एन को नीचे लाके के ए एक्स प्लस भी माइनस वन साथ में ये जो टुकड़ा बचता है ए एक्स प्लस भी इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इसके साथ में होता है अब बी जो कांस्टेंट है चलिए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता है जीरो और डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो एक्स है एक्स का पावर क्या होता है वन तो वन को नीचे लाया फार्मूले के हिसाब से एन को नीचे लाते हैं एक्स का पावर फिर जो भी हो वन माइनस वन तो इधर एन माइनस वन था वन माइनस वन तो क्या हुआ वन इन टू एक्स का पावर वन माइनस वन होता है जीरो एनी थिंग रेज पावर जीरो ये भी वन होता है वन इन टू वन कितना हुआ वन इसलिए एक्स का डेरिवेटिव वन होता है डायरेक्ट थ्री एक्स स्क्वायर थ्री तो रखना ही रखना है एक्स स्क्वायर का ये एक्स एक्स पावर एन था टू नीचे आएगा टू नीचे आया और एक्स का पावर इधर एन माइनस वन डेट मीन पावर क्या था टू माइनस वन तो कितना हुआ थ्री टू सा थ्री

कास ऑफ एक्सप्ल डी अब कंपोजिट फंक्शन में मैंने कहा था ना सब करो पुटिंग दिस इज इक्वल टू दिस टी लेकिन जब हमें फार्मूला लगाना हो फिर हम दोनों को हमें इकट्ठे नहीं करते अब हमें पुटिंग करने की जरूरत नहीं क्योंकि फार्मूला एक ऊपर है साइन वाली कॉस वाली नीचे है इट मीनस एक यू वाली फंक्शन है नीचे वी वाली यू बटा वी होता है क्वेश्चन कौन सा रूल क्वेश्चन रोल सो वी है इज गल टू साइन ऑफ वे एक्सप्रेस वी कॉस ऑफ सी एक्सप्ल डी ऊपर यू है नीचे वी है तो बन गए क्वेश्चन रूल यू बटा वी का मैंने कौन सा रूल बताया था क्वेश्चन रूल

तो सबसे पहले क्या होता है नीचे वाले का स्क्वायर वी स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर क्वेश्चन रूल अप्लाइंग क्वेश्चन रूल वी गेट नीचे वाले का स्क्वायर फिर नीचे वाला इनटू इंटू ऑफ ऊपर वाला यू इंटू वी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू माइनस ऊपर वाला यू इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला यू तो क्या है डी एफ डी कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स साइन की डिफेंसिएशन क्या, क्या होती है कॉस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी और उसके बाद जो ए एक्स प्लस बी बचा है इसकी डिफेनसिएशन ए एक्स में पहले ए रखना है और एक्स की डिफेंसेशन वन है ए इंटू वन क्या हुआ ए और बी की डिफिन क्या होती है जीरो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं माइनस अब किसकी बारी आई साइन ऑफ एक् प्लस बी और डिफेंसिएशन किसकी कॉस कॉस की डिफेंसेशन क्या होती है मैंने अभी आपको बताई थी कि कॉस की डिफेंसिएशन होती है माइनस साइन एक्स सो कॉस की डिफेंसिएशन क्या लिखनी है आपने माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी सॉरी माइनस साइन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ जी हो गया कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी डेरिवेटिव ऑफ़ साइन साइन की होती है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी की क्या है कॉस की होती है माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी साथ में सी एक्स की सी की सी तो बाहर रहेगा एक्स की वन है सी इंटू वन हो गया सी और डी की क्या होती है डी कांस्टेंट है तो डी की ज़ीरो तो लिखने की जरूरत नहीं तो सी एक्स प्लस डी की आती है क्योंकि सी के साथ एक्स है इसलिए सी आएगा एक्स की वन है वन इंटू सी हो गया सी डी के साथ कुछ नहीं है तो डी की जीरो अब क्या हुआ अब इसका ए हमने आगे रख दिया कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी को भी आगे रख दिया और कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी को बाद में लिखा तो ये अरेंज करके लिखा पहले ए वाला लिखा फिर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी फिर कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी अब ये माइनस और ये माइनस टकराए तो क्या हुआ प्लस और इस सी को सामने लिखा फिर साइन ऑफ एक्स प्लस बी साथ में साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी दिखिए कॉस स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर होता है कॉस स्क्र सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर नहीं होता है ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही होता है तो कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर का मतलब होता है कॉस्क्वायर इसका स्क्वायर नहीं तो कॉ स्क्वायर सी एक्स प्लस डी तो ये था डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन चलिए अब हमने यहाँ पर सब्शोशन मेथड यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगना था इसलिए अगर हम सब मेथड लगाते तो दोनों मैथों से ये क्वेश्चन गलत हो जाता अब क्वेश्चन नंबर सेवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटून रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर वो है भी कम्प्लीकेटेड क्वेश्चन है इसको भी हम डायरेक्ट रख देंगे वॉइस कॉल टू कोई जरूरत नहीं है सब्सूशन करने की टू इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर Of y two two of को हम लिखते हैंट का, का रूट है तो ऊपर पावर वन बाई टूट काट वाई का भी डी बाई डी एक्स वाई और डी बाई डी एक्स टू टू कॉट ऑफ एक्सक्वायर का पावर वन बाई टू चलिए डी बाई डी एक्स वाई हो गया डी बाई डी एक्स और इसका चलिए अब डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स अव हो गया डी वाई बाई डी और इसका डेरिवेटिव निकलते हैं डीवाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है पहले बाहर टू है फिर कॉट एक्स स्क्वायर का पावर वन बाय टू जो पावर होता है वो नीचे आता है वन बाई टू फिर कॉट एक्स स्क्वायर का वन बाई टू माइनस वन फार्मूला जो है एक्स एक्स बार एन डी वाई डी एक्स 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 बार एन टू एन एक्स एन माइनस वन एन नीचे आया वन बाई टू फिर कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर का वन बाई टू माइनस वन वन बाई टू माइनस वन साथ में काट एक्सक्वायर की क्या डेफिनेशन कार्ट की क्या है काट की डिफिजीशन है माइनस क्वेश्चन स्क्वायर एक्स कार्ड का डेरिवेटिव क्या है माइनस क्वेश्चन एक्स तो अब अंदर वाला हिस्सा है कार्ट का क्योंकि ऊपर वाला हमने पावर लाया नीचे वन बाय टू कार्ड ऑफ एक्सक्वायर का वन बाय टू माइनस वन आपको अंदर वाले की जो बादाम की गिरी होती है काट ऑफ एक्सक्वायर का हो गया काट का होता है क्वेश्चन माइनस क्वेश्चन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर साथ में अंदर क्या है एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स एक्सक्वायर की भी एक्स एक्सक्वायर की क्या होगी टू एक्स क्योंकि टू नीचे आएगा साथ में एक्स की वन है टू टू वन हो गया एक्स एक्सक्वायर की टू एक्स चलिए अब डी वाई डी एक्स ऑफ टू टू कैंसल ये माइनस कॉट ऑफ एक्स एक्सक्वायर ये वन बाय टू माइनस वन करेंगे तो टू वन सान माइनस टू हो गया माइनस वन बाय टू तो इसका पावर आ गया माइनस वन बाई टू इंटू टू एक्स पहले लिखा साथ में ये माइनस भी हमने पहले लिख दिया है कुशीकुंड स्क्वायर एक्सक्वायर इंटू टू एक्स टू एक्स पहले लिख दिया कुशिकुन स्क्वायर एक्सक्वायर कुशिकुन स्क्वायर स्क्वायर अब डी वाई डी एक्स क्या बना ऊपर है माइनस टू एक्सिकुन स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर एक्सर कुक्वायर एक्स स्क्वायर नीचे क्या है क्योंकि ये माइनस वन टू है तो कॉट एक्स स्क्वायर का माइनस वन टू है तो नीचे आ जाएगा कॉट कॉट एक्स स्क्वायर माइनस कॉट आने के लिए वन नीचे आ गया तो ये प्लस वन टू हो गया अब डी वाई बाई डी एक्स इजकल तो टू माइनस टू एक्सर एक्सक्वायर नीचे कॉट का पावर वन बाय टू है तो इसको हम रूट में ले सकते हैं यही हमारा है अब क्वेश्चन नंबर टेन है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमने अलेवंथ में पढ़ी थी डिफाइंड बाई एफ एक्सल टू ब्रैकेट में एक्स ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल एट एक्स टू इज डिफरेंशिएबल Is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2. I'm going to prove that greatest integer function f x is equal to greatest integer function x is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2. Since fx is equal to x हमारे पास गिवन फंक्शन के एफ तो एक्स इगल टू एक्स येटेस्ट इंटरेस्ट फंक्शन है हमें पता है जो भी ग्रेटेस्ट इंट्री फंक्शन है वो नहीं होती सिंस एफ एक्स इजल टू एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इगल टू वन एंड एक्स इजल टू टू इन दोनों वैल्यूज पर ये फंक्शन नहीं है देर फॉर एफ एक्स नॉट डिफरेंशेबल एट एक्स इजल टू वन एंड एक् एस टू इसलिए ये दोनों वैल्यूज पे डिफरेंशिएबल नहीं होगी बिकॉज एवरी कंटिन्यूस एवरी डिफरेंशबल फंक्शन इज कंटीन्यूस बट एवरी कंटीन्यूस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफ्रेंशबल अब सिंस क्योंकि ये इंटीजियर फंक्शन जो है ये कंटिन्यूज नहीं होती है अगर एक्सल्ड वन और एक्सल टू पर चेक करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी कंटिन्यूज नहीं होगी अगर ये इस फंक्शन पर कंट्यूज नहीं है तो देर फॉर एफ एक्स इज नॉट डिफ्रेंशियेबल एट एक्सलो इसी पॉइंट्स पर ये डिफ्रेंशियेबल भी नहीं होगी सो थैंक यू वेरी मच एंड है नई स्टे